और चल दिया आज गाय के साथ सब खत्म हो गया तुम्हारा आया खेतों का काम है? खेतों का काम हो गया सब खत्म। अरे इस बार जल्दी छका यार। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज सिंह पवार, एक बार फिर से जो आपका एमएस पवार ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है सबर के 10 बज चुके हैं, सबर आ गया था मैं यहाँ पे क्योंकि ठंडा हो रहा था तो जैकेट पहना। वही पॉइंट, वही लोकेशन, कोटेधार समकोट का घर से 1 किलोमीटर दूर यहीं पर जो है BSNL नेटवर्क का आता है तो वीडियो अपलोड करने के लिए अभी वीडियो अपलोड हो चुका है। चाचा जी अपने बकरी को जो है वहाँ पलथला में चारागाह में लगा के आ गए। मैं यहाँ हूँ और देखिए घर का नज़ारा, वहाँ देखिए पूरा यह खेतों में काम चल रहा है, लोग धान की कुटाई कर रहे हैं, कोई धान काट रहा है, कोई मडुआ काट रहा है, कोई मडुए से दाने अलग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ आया हूँ वीडियो अपलोड करने, बिल्कुल फुर्सत नहीं है अभी, आज बहुत काम है मेरे को, घर जाना है, अपने कपड़ा कपड़ा धोना है मैंने, तो कब से कपड़े भी नहीं धोए। आप लोगों के को वीडियो देना भी बहुत ज़रूरी है इस वजह से। और मौसम देखिए आज ठीक है और बादल लगे हुए हैं, शायद बारिश का फिलहाल तो चांस नहीं, शायद शाम तक बारिश हो सकती है। तो बने रहे दोस्तों यार, वहाँ खेतों में जाने का, घर वालों का हेल्प करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है मेरे को। अभी इसको खोलता हूँ, अब गर्म हो रहा है, अब जाता हूँ। आज तो साबुन तौलिया भी लेके आया हूँ, अभी वहाँ नहा के सीधा घर जाऊँगा, फिर कपड़े वपड़े धोने की प्रोसेस करूँगा या नाश्ता करूँगा। नाश्ता भी लेके आया था मैं सबरे मक्का, यही है यार, इधर टाइम पूरा इधर से यहीं चले जाता है मेरा टाइम। तो धीरे धीरे अब जो है ये बादल भी हटने लगेंगे, अब जो है जाड़ों का सीज़न आ रहा है। तो बने रहे दोस्तों, अब हम जा रहे हैं घर की ओर। हो गया खेतों में काम खत्म आपका? अभी जाते जाते नदी में जो है, यहाँ मैंने नहा भी लिया है, यही नदी है आपका जो कि इस घर पे। हाँ मिलता हूँ आपको घर में। आज सुबह घर दोस्तों, देखिए इतने ढेर सारे कपड़े धोने मैंने, इसका भी इसमें बिखाना है। घर में बहुत काम चल रहा है। और चाची जी कभी टाँ लगा दें, देखिए अभी बहुत बिजी हैं और धूप लगी हुई है दोस्तों और बहुत गर्म हो रहा है। ये देखिए शबरे आपको दिखाया था ना उस टाइम पे, ये अभी मडवा उसको सुखा रहे, इसको अलग करके मान मूंद के, ये देख रहे हो आप लोग। अरे और ये है सामने का नज़ारा। और चाचा जी ने भी बना दिया खाना, चाचा जी खन गया खाना। ये धान आप ही का है, ये इसमें धान सुखा रहे हैं ट्रिपॉल में। ये देख रहे होंगे आप लोग जो है नीचे लोगों के खेत में भी अभी बिल्कुल धान को सुखाया जा रहा है, काम किया जा रहा है। अभी बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं हो रहा है, वो देखिए उन नीचे खेतों में ना आप देख रहे हो थोड़ा सा सफ़ेद कपड़ा उधर पर बांध के जो है धान की कुटाई हो रही है, धान को अलग किया जा रहा है। और ये है, और अम्मा जी ये कार्तिक को भी देख रहे हैं घर में, खाना भी बनाना है। ये बिल्ली कहाँ भाग रहा है? देखिए इधर मैं आ गया हूँ, इधर खेत में, ये मक्के के खेत में मम्मी जो है आप मक्के तोड़ने लग गए, वही कहना मैं आपको। आप ये देख रहे होंगे आप पूरे पौधे जो है हवा आदि तूफान से जो है पूरे गिर रखे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। अरे खड़े खड़े कहीं कहीं पे दिख रहे नज़र आ रहे होंगे। अब ये भी जो है मक्का भी हो गया अच्छे से शायद। देखिए दोस्तों पौधे जो है हवा से पूरे गिर के आप लोगों को दिख रहा होगा, कोई कोई और मम्मी जी बता रहे पूरे सड़ गए हैं। और ये मक्के भी देखिए यहाँ पर मम्मी बता रहे, ये और ये देखिए दोस्तों ये चूहे ने भी खा रखा है इधर पर मक्का, और जो है शाड़ भी है,
जो बरसात से ना या आदि तूफान से पौधे नीचे गिर गए तो ये चीज़ें हैं। जोर शोर से काम चल रहा है, कुल मिला के आप लोग देख रहे हैं बीजे। अभी मैं अंदर थोड़ा सा जो है खाना भी रखा है, थोड़ा हेल्प कर पा रहा है। अभी घर में आया तो ये देखिए धान वान कूटने के बाद ये खेतों में, और इस साइड पे हमारे किचन के पीछे है ये राजमा के पौधे और एक ककड़ी का बेल ये लगाया गया है। देखिए दोस्तों ये इतना बड़ा पौधा, और यहाँ ककड़ी भी लगी है। ये देखिए तो देख रहा हूँ एक उधर डोके में दूसरा है, इसको ले जा रहा हूँ अभी मैं कंधे में रख के। मक्का भी जो है लगभग मक्का तो हो गया और फसल भी बर्बाद हो गई है इधर, मक्के की फसल और लोग आदि तूफान से सारा खत्म हो गया। क्यों चाचा जी? क्या तो आदि तूफान चला था इधर जब मक्के पौधे देखो पोषा पौधे गिर रखे जमीन में। ये देखिए दोस्तों चाचा जी मक्के को छान रहे हैं, जो हरे हरे मिल जाएंगे तो अभी भूनेंगे। तो भूनने का भी जब भून रहे उस टाइम पे आप लोगों को वीडियो भी नहीं दिखा पा रहा हूँ, इनको फुर्सत नहीं है। ये देख हरे हरे इनको छिलने के बाद जब भुना जाएगा मक्के को। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा इस बारे में अवश्य अपने विचार व्यक्त करें। दोस्तों बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा है घर में, सबसे पहले तो वीडियो एडिट करना फिर अपलोड करना, वहाँ टाइम लग जा रहा है, इसलिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा मेरे को खेतों में जाने का मौका भी। पूरा बहुत काम आ रहा है घर में थोड़ा बहुत, उसके बाद ये चीज़ें। तो आज इतना ही रखता हूँ वीडियो में, जैसा भी लगा इस बारे में अवश्य अपने विचार व्यक्त करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। देखते रहिए MS Power Blogs को।